नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर चल रहा है, लोग अपनी जिंदगियां बचाने में लगे हुए हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई है, कारोबार तबाह हो गए हैं, देश की जीडीपी तबाह हो गई है। लेकिन एक सियासी भूचाल है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह सियासी भूचाल पहले कर्नाटक में देखा गया, जहां पर बीजेपी ने जो है वो अपनी सरकार बना ली। उसके बाद में मध्य प्रदेश में देखा गया, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना ली। और अब यह सियासी भूचाल पहुंच चुका है राजस्थान में, या यूं कहे कि सत्ता की लालच जो है, बीजेपी का सत्ता का जो लालच है वो अब राजस्थान में पहुंच चुका है। और राजस्थान की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाने का जो है वो लालच बीजेपी का अब राजस्थान में दिख रहा है। बीजेपी के दो नेता गिरफ्तार किए गए हैं राजस्थान पुलिस के द्वारा। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने दो नेताओं को गिरफ्तार किया है। ये दोनों नेता कांग्रेस के एमएलए खरीद रहे थे। 25 करोड़ रुपए में कांग्रेस के एमएलए खरीदने का आरोप इन पर लगा है। 10 करोड़ रुपए एडवांस और 15 करोड़ रुपए काम होने के बाद में। सियासी भूचाल इस कदर से है कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही है, लेकिन कोई एक पार्टी है जिसको अपनी सरकार बनाने की सिर्फ पड़ी है कि अपनी सरकार जो है वो किस तरह से बनाया जाए। आपको मालूम होगा कि कोरोना महामारी से पहले, ठीक पहले लॉकडाउन से ठीक पहले, लॉकडाउन 24 तारीख को लगा, 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। और उसके बाद में अब जो है राजस्थान में यही कोशिश बीजेपी करती हुई दिख रही है, उसके दो नेताओं को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत की सरकार गिराने की साजिश में दो भाजपा नेता गिरफ्तार। राजस्थान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में 3 निर्दलीय एमएलए के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज, 2 लोग गिरफ्तार। 10 करोड़ पहले ले लो, 15 करोड़ बाद में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाए विधायकों के खरीदने के आरोप, 2 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि विधायकों को अपनी निष्ठा बदलने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। इस मामले में जांच कर रही राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान की में सरकार गिराने की साजिश, खरीद फरोख्त के मामले में 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ एसीबी की प्राथमिकता दर्ज, 2 कारोबारी गिरफ्तार। विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए प्रलोभन देकर सरकार गिराने के आरोप में गिरफ्तार भरत मलानी व अशोक सिंह, जिन्हें एसओजी ने शनिवार को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया। तो एक तरफ लोग अपनी जिंदगियां बचाने की जुगत में लगे हैं, अपने रोजगार अपने काम धंधे को बचाने की जुगत में लगे हैं, वहीं बीजेपी इस जुगत में लगी हुई है कि किस तरह राज्य दर राज्य वो अपनी सरकार बनाती जाए। पहले मध्य प्रदेश में और अब राजस्थान में बीजेपी का ये लालच साफ तौर पर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से सिंधिया के नाम पर बीजेपी ने जो है वो अपनी सरकार बनाई, और अब सचिन पायलट के नाम पर राजस्थान में यही कोशिश दिख रही है। अब खबरें ये आ रही हैं कि सचिन पायलट अपने 24 विधायकों के साथ में दिल्ली में पहुंच गए हैं और उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। दूसरी तरफ खबरें ये भी चल रही हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और सचिन पायलट जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, ये भी खबरें आ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं वो समीकरण, वो गणित जिसके बलबूते पर बीजेपी ये सपना देख रही है कि राजस्थान में उसकी सरकार बन सकती है। लेकिन बीजेपी का ये सपना कितना हकीकत के पास है और कितना हकीकत से दूर है, इस पर आपको जो है सियासी समीकरण का, सियासी गठजोड़ जो है वो क्या कहता है वो दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीट है, जिसमें कांग्रेस के पास 107 विधायक है, भाजपा के पास 72 विधायक है, निर्दलीय विधायक है 13, आरएलपी के 3 विधायक हैं, बीटीपी के 2 विधायक हैं, लेफ्ट के 2 हैं और आरएलडी का 1 विधायक है। कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो है 107 विधायक, 13 इंडिपेंडेंट का समर्थन कांग्रेस को जो है वो प्राप्त है, 1 आरएलडी का विधायक उसको कांग्रेस को मिला हुआ है। इसलिए कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो समर्थक विधायक हैं या कांग्रेस पार्टी के पास में जितनी विधायकों की संख्या है उनकी संख्या है 121। वहीं भाजपा के पास में 72 है और 3 जो है आरएलपी के मिलाकर के 75 है। अब कांग्रेस के कुल, अगर अकेले कांग्रेस के देखे जाए तो कांग्रेस के 107 विधायक हैं, यानी बहुमत के लिए 101 से 6 ज्यादा विधायक हैं। वहीं भाजपा के पास में 75 हैं और 18 निर्दलीय हैं। अब अगर सचिन पायलट के 24 समर्थक विधायक छोड़ देते हैं तब क्या स्थिति होगी, इस समीकरण पर जो है वो नजर डालिए। अगर 24 समर्थक विधायक जो कि सचिन पायलट के साथ में है, अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले भी जाते हैं तब क्या बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो उस समीकरण पर नजर डालिए। कांग्रेस के लिए पहले दिखाते हैं, कांग्रेस के 107 अभी विधायक हैं, 24 विधायक अगर चले जाते हैं तो कांग्रेस के विधायक बचते हैं 83, और भाजपा के पास में 75 अभी विधायक हैं जो कि बहुमत 89 से 14 कम है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को
14 निर्दलीय विधायक लेने होंगे, तब जाकर के उनकी सरकार बन पाएगी। और कांग्रेस को उस समय में भी अगर सचिन पायलट चले जाते हैं तो भी कांग्रेस को सिर्फ 6 विधायक चाहिए होंगे अपनी सरकार बनाने के लिए। तो यानी अभी भी बीजेपी के लिए राजस्थान में सरकार बनाना, उस स्थिति में जब सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, तब भी बीजेपी के लिए सरकार बनाना बहुत दूर की बात है। बस शर्त यह है कि जो 35 करोड़ और 25 करोड़ की जो बात आ रही है उसमें कितने विधायक बिक गए हैं या नहीं बिक गए हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर विधायक बिक चुके हैं, कांग्रेस के भी विधायक बिक चुके हैं, 35 करोड़ का ऑफर जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया है और बीजेपी ने कोई और ऑफर, मंत्री पद का ऑफर जो है वो भी दिया है और इस तरह से बिक गए हैं, तब स्थिति अलग हो सकती है। नहीं तो भाजपा के लिए वहां पर सरकार बनाना अभी भी दूर की बात है। यहां तक तो यह खबर है। इसके बाद में अब एक सवाल है जो कि जनता के लिए है। सवाल यह है कि आप वोट डालने क्यों जाते हैं? सवाल यह है कि वोट डालने का जो प्रक्रिया है उसको ही बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से आपको 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद में अगर एक पार्टी की सरकार जो है, जो चल रही है सरकार, अगर वो गिरा करके विधायकों को खरीद करके अपनी ही सरकार बनानी है तो फिर क्यों इतना पैसा लगाया जाए, क्यों पब्लिक का भी जो है वो इतना समय खराब किया जाए। वैसे ही जब वोटिंग का जो परसेंटेज कम होता है तो ये कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार कम हुआ है, तो ऐसे में तो पब्लिक को वोट करना ही नहीं चाहिए। जब उनको मालूम हो कि उसने एक पार्टी को चुना है, उसके लिए वोट डाला है, लेकिन साल बाद में, 2 साल बाद में दूसरी पार्टी जिसके लिए उन्होंने वोट नहीं डाला है उसी की अगर सरकार बन जाती है, तो ऐसे में एक आम मतदाता जो है वो वोट आखिरकार क्यों डाले? सीधा सवाल यह है कि फिर जो है लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो है वो चुनाव की प्रक्रिया जो है उसको बंद कर देना चाहिए। सीधे सीधे जो है वो पार्टी तय कर ले कि सरकार किसकी बनेगी, जिसके पास में नोट ज्यादा है, जिसके पास में पैसे ज्यादा है, वो तय कर ले कि उसी की सरकार बनेगी, फिर उसी की सरकार बनने दी जाए। क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, एक पार्टी को, एक चुनी हुई सरकार को जो है वो गिराना, क्या ये लोकतंत्र में अच्छे संकेत हैं? क्या ये लोकतंत्र के लिए सही संकेत है? ये अपने आप से एक सवाल आप जरूर पूछिए कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो क्या वो सरकार जिसको आप चुन रहे हैं, क्या वो सरकार 5 साल तक रहेगी? ये खबर, ये सवाल जो है वो आपके लिए है। और दूसरा कांग्रेस के लिए भी सवाल है। ऐसा नहीं है कि हम केवल बीजेपी को ही यहां पर जो है वो आईना दिखाने के लिए बैठे हैं, बल्कि कांग्रेस को भी आईना देखना बेहद जरूरी है कि क्यों आखिरकार सिंधिया जैसे नेता जो है वो उसको छोड़ करके चले जाते हैं, क्यों आखिरकार अपने सचिन पायलट जैसे नेता को जो है वो कांग्रेस संभाल करके नहीं रख पाती है। क्या ऐसी कमजोरी है कांग्रेस के अंदर कि वो अपने ही नेताओं को, अपने ही विधायकों को बचा करके नहीं रख पा रही है और बीजेपी जब मर्जी करती है उनको खरीद लेती है? ये कांग्रेस के लिए भी सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं, विधायकों के फोन टेप किए जा रहे हैं, और जिस तरह से फोन टेप करने के बाद में ये पता चल रहा है कि उनको 35 करोड़ रुपए की ऑफर मिल रही है, तो ऐसे में भी दिल्ली में बैठी सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि वो प्रदेश में क्या सिर्फ जो दूसरी पार्टियों की सरकार है उनको चलने ही नहीं देना चाहती है? क्या सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जो है ये चाहती है कि पूरे देश भर में, राज्य में भी और केंद्र में भी उन्हीं की सरकार रहे, और जहां पर उनकी सरकार नहीं होगी वहां पर वो पैसों के बल पर सरकार बना लेंगे? ये सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी से भी है। और हिस्ट्री इस बात के लिए याद करेगी इस समय को कि किस तरह से भारत में लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदल करके सरकारें बदली गई थी। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।